मित्रों, क्या आप जानते हैं कि आखिर माता सीता धरती में समाने के बाद यानी कि पाताल लोक जाने के बाद फिर से धरती पर क्यों आई थी? आप में से ज़्यादातर लोग ये बात नहीं जानते होंगे, तो आज की इस हिंदू धर्म दर्पण की प्रस्तुति में हम आपको यही बताएंगे कि आखिर माता सीता क्यों फिर से धरती पर वापस लौट आई थी। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि माता सीता और श्री राम के जीवन पर आधारित वीडियो ही इस चैनल पर प्रसारित की जाती है। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। मित्रों, आज हम आपको जो कथा बताने वाले हैं वो बजरंग विजय रामायण से ली गई है। कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम ने माता सीता को अपनी पवित्रता साबित करने के लिए दोबारा अयोध्या में अग्नि परीक्षा देने को कहा, तब माता सीता धरती में ये कहकर समा गई कि यदि उन्होंने श्री राम को सच्चा प्रेम किया है तथा उनका आचरण पवित्र है तो वह इसी समय इस धरती में समा जाए। ये सुनकर धरती माता दो टुकड़ों में विभाजित हो गई तथा सभी के सामने धरती ने माता सीता को पुनः अपने अंदर समाहित कर लिया। श्री राम ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया, परंतु वह उन्हें रोक नहीं पाए थे। माता सीता जैसे ही धरती में समाई, श्री राम उस जगह दौड़ते हुए आए और धरती माँ से विनती की कि वे उनके सीता को पुनः लौटा दे, किंतु भगवान राम के अत्यधिक विनय करने पर भी धरती ने कोई उत्तर नहीं दिया। इससे श्री राम को अत्यंत क्रोध आया। भगवान श्री राम ने क्रोध में धरती से कहा कि यदि उन्होंने उसी रूप में सीता को पुनः नहीं लौटाया तो वे पर्वतों वनों समेत उसका संपूर्ण विनाश कर देंगे तथा सब कुछ जलमग्न कर देंगे। भगवान राम ने क्रोध से जैसे ही धनुष को उठाया, धरती माता सीता के साथ प्रकट हो गई और उसी समय भगवान ब्रह्मा भी वहाँ प्रकट हुए, जिसके बाद माता सीता ने स्वयं भगवान राम से कहा कि वे अपने ध्यान से अपनी असली स्वरूप को पहचानें और उनका स्मरण करें। उन्होंने श्री राम को समझाया कि मेरा कार्यकाल इस भूमि पर समाप्त हो चुका है, इसीलिए मैं पाताल लोक के माध्यम से आपके धाम वैकुंठ में चली जाऊंगी। और वहां उन्होंने श्री राम से किसी भी प्रकार का क्रोध या संताप ना करने को कहा तथा अपने ब्रह्म स्वरूप को ध्यान करने को कहा, जिससे उन्हें माया का पता चल सके। ये कहकर माता सीता पृथ्वी के साथ पुनः एक बार फिर से पृथ्वी के अंदर समा गईं, जिसके बाद वहां मौजूद ब्रह्मा जी और महर्षि वाल्मीकि ने भी श्री राम को यही बात कही तथा उन्हें समझाया कि माता सीता वैकुंठ धाम चली जाएंगी, अब उन्हें माता सीता की धरोहर दोनों पुत्रों लव कुश को संभालना है। ऐसा कहकर उन्होंने लव कुश को अपने पिता श्री राम के पास जाने की आज्ञा दी। सभी के द्वारा अपने असली स्वरूप को ध्यान दिलाए जाने तथा माता सीता के स्वरूप को पुनः एक बार फिर से देखने के कारण भगवान राम का क्रोध शांत हो गया तथा उन्होंने लव कुश को अपना स्नेह दिया। और मित्रों, इस तरह से प्रभु श्री राम इस पृथ्वी पर 11,000 वर्ष 11 महीने 11 दिनों तक राज किया और फिर वह भी अपने वैकुंठ धाम को गमन हुए।